मायसेल्फ शुभम पॉल, वेस्टीज डायमंड डायरेक्टर, आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे एक और कार्ड सेलिब्रेशन प्रोग्राम में। और आज का सेलिब्रेशन होगा एक लेडी का, एक यूथ लेडी का, जिन्होंने आज से एक साल पहले अपने पढ़ाई और बाकी कामों के साथ साथ एक डिसीजन लिया अपने जिंदगी में कुछ अलग करने का, उसके साथ साथ एक डिसीजन लिया अपने जिंदगी को कुछ अलग मुकाम पे लेके जाने का, और जिसके वजह से उन्होंने वेस्टीज और मिलेनियर स्क्वाड में आके एसोसिएट हुआ। 2021 दिसंबर आज चल रहा है, 2020 दिसंबर में उन्होंने ज्वाइन किया वेस्टीज, और आज महज एक साल के अंदर अंदर उन्होंने अपने आप को एक 10 लाख का कार गिफ्ट दिया है, जिसके वजह से इसी गिफ्ट को लेने के लिए, इसी सेलिब्रेशन का पार्ट होने के लिए हमारा पूरा मिलेनियर स्क्वाड, आप देख सकते हो मेरे पीछे खड़ा है, और हम सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं। और एक बार चेक करना चाहेंगे हमारे एक्साइटमेंट लेवल हमारे टीम का। आर यू ऑल एक्साइटेड? यस। वाओ, दैट्स ग्रेट। आर यू ऑल एक्साइटेड? यस, दैट्स ग्रेट। सो हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं। मिलेनियर स्क्वाड का 9th कार आ चुका है। यस माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज और मिलेनियर स्क्वाड का 9th कार आ चुका है। ये एक ऐसा स्क्वाड है, ये एक ऐसा टीम है जो 2018 फरवरी में स्टार्ट किया था, और आज के डेट पे ऑलरेडी 9 कार हम लोग डिलीवरी ले चुके हैं, राइट। इसी के साथ साथ आज 9th कार का डिलीवरी तो होगा ही, राइट। उसी के साथ आज हम लोग जानेंगे मिस सेंदी नारो, जो आज के जिन्होंने इस कार को अचीव किया है, उनका स्टोरी हम लोग सुनेंगे, उनके बारे में हम लोग जानेंगे किस लेवल से उन्होंने स्टार्ट किया और कहां तक वो आज पहुंचे हुए हैं, और बहुत सारे मैसेज भी वो हम सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले जो कार हमारे ग्रुप में आया हुआ है, जो अचीवमेंट हमारे ग्रुप में आया हुआ है, हम लोग उसको देखते हैं। चलिए आइए अभी हम लोग कार को देखेंगे, लेकिन कार जब दिखाया जाएगा, क्योंकि ये इस साल का आखिरी गाड़ी है, तो कार जब दिखाया जाएगा मैं चाहूंगा कि जोर शोर से चीखने के साथ, जोर शोर के साथ कार को दिखाया जाए, तो प्लीज दिखाया जाए। तो ये था हमारा मिलियन स्क्वाड का एक और कार, जो कि महज 12 महीने के अंदर हमारे पास आया हुआ है, और इसी चीज को जिन्होंने ओन किया है, अभी वक्त आ चुका है उनसे मिलने का। एंड शी इज नॉन अदर देन द फास्टेस्ट कार अचीवर ऑफ मिलियन स्क्वाड। प्लीज हेल्प मी वेलकम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज मिसेस सेंदी नारो। मिलेंगे मिस सेंदी नारो के फैमिली भी, मिस सेंदी नारो के साथ में आए हुए हैं। सो मिस नारो के पेरेंट्स हमारे साथ हैं। सो प्लीज अंकल आंटी आप भी सामने आइए, अंकल आंटी के लिए भी एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। अभी मिस सेंदी नारो को फेलिसिटेट किया जाएगा उनके अचीवमेंट के लिए, उनके मेहनत के लिए, उनके कमिटमेंट के लिए। सो मिस सेंदी नारो को फेलिसिटेट करने के लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा हमारे क्राउन डायरेक्टर वेस्टीज मिस्टर रूपम शाह सर, एंड क्राउन डायरेक्टर वेस्टीज मिस्टर लिपन शाह सर को। सो प्लीज हैव यू वेलकम द बोथ द लीडर्स। रहना चाहिए दोस्तों। बुलाना चाहूंगा डायमंड डायरेक्टर एंड यूथ आइकॉन मिस्टर अनूप सर को एंड मिस्टर अमृत पॉल सर को। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम टू फ्यूचर ऑफ लोग बहुत ही डायमंड। अभी मैं बुलाना चाहूंगा डायमंड डायरेक्टर वेस्टीज एंड यूथ आइकॉन मिस्टर अरिजीत शाह सर को। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज सर अरिजीत सर। अभी कार तो आ चुका है, लेकिन कार चलेगा कैसे बिना की के? यस और नो? यस। कार चलने के लिए की चाहिए, और की मैजिकल की दिया जाएगा टाटा के तरफ से, टाटा के रिलेशनशिप मैनेजर की तरफ से। सो मैम प्लीज। अभी वक्त आ चुका है अचीवर्स का बात सुनने का। यस और नो? यस।
सो पूरा इंडिया जितने भी लोग आज देख रहे हैं इस वीडियो को, अभी का जो नेक्स्ट अगला जो कुछ मिनट होगा आप ध्यान से सुनिएगा। आज और आज हम लोग सुनेंगे मिस सेंटी नारो से कि वो कैसा फील कर रहे हैं, उन्होंने कब शुरुआत किया था, किस तरीके से वो इस लेवल पे पहुंचे हैं और आने वाला टाइम पे वो क्या करने जा रहे हैं थ्रू वेस्टीज और यूथ्स को, स्पेशली आज का यूथ जहाँ पे लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे लोग एक बिजनेस करने का मौका ढूंढ रहे हैं, कोविड का टाइम चल रहा है तो उन्होंने किस तरीके से बिजनेस को बिल्ड किया, छोटे से वर्ड्स में छोटा सा एक सक्सेस स्टोरी हम लोग उनका सुनेंगे अभी। सो ओवर टू यू मिस सेंटी। थैंक यू सो मच सर। मुला नाम सिंधी नारा से कुआ निशिना एंड देन वेस्टिज तो लास्ट ईयर 2020 दिसंबर जॉइन करे इत दी मोमी स्टाडीज कर मास्टर डिग्री भी रही है एंड इतु ठीक खत्म हुआ भी लाइक मास्टर डिग्री कम्प्लीट हुआ लोके लोके एक भल लेवल पुजी जाए इना और बेसि मन डावर नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करना आज विदिन वन इयर इतु एचिवमेंट पाई। सो मिला जैसे कहा मास्टर डिग्री लास्ट ईयर में उन्होंने ज्वाइन किया था, लास्ट ईयर जब मास्टर डिग्री का फाइनल ईयर चल रहा था उसके साथ साथ वो चर्च में भी बहुत एक्टिव है, उसके साथ साथ वो ट्यूशन भी पढ़ाती थी, उसके साथ साथ वो घर पे भी बहुत सारा कामों में मम्मी को मदद करती थी। जिस सारे चीजों को करते हुए उन्होंने एज ए पार्ट टाइम वेस्टिज को स्टार्ट किया, लेकिन सीरियसली किया दोस्तों, एज ए पार्ट टाइम वेस्टिज को स्टार्ट किया जिसको करते 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 आज के टाइम पे मैं जानना चाहूंगा मिस सेंटी का हाईएस्ट चेक कितना है वेस्टिज से। वेस्टिज ते हाईएस्ट चेक मुझे 6 मंथ ते पाइशे दैट इज 81,490। हाईएस्ट चेक वेस्टिज से उनका 81,000 क्रॉस कर चुका है। और मिस सेंटी से मैं एक और बात, एक और मैसेज मैं चाहूंगा मिस सेंटी हमारे सारे यूथ्स के लिए दे, स्पेशली यूथ्स ऑफ नागालैंड हमें सुन रहा है राइट, तो यूथ्स के लिए आप एक मैसेज दें कि किस तरीके से क्या उनको वेस्टिज को ऐसे करियर देखना चाहिए या क्या किस तरीके से वो वेस्टिज को ले और अगर ले तो कितना टाइम तक उनको करना चाहिए, किस तरीके से आपने किया और क्या मैसेज आप यूथ्स को देना चाहेंगे मिस सेंटी। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। आज मुझे यदि यूथ खान की मन से सबके एक ही मैसेज दी मुझ जैसे आज अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बेसि वेर एजुकेटेड यूथ कान बेसि नागालैंड उदीना उदी पुरी इको जॉब भी नपाय अपॉर्चुनिटी भी नपाय एंड इतना चारिना रियलिटी हिट कुछ टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट जैसे इतना वेर मान जॉब तो इन कम दी पाई 100 मानव कर पारा तो इतना तो 5 जन मानवाई कर टेक्नोलॉजी अहर कारण ना सो कि पूरा लिखा हुई भी एटलिस्ट मन भी इतना ओपन माइंडेड हम लगे अलग ऑप्शन भी चाह लगे एंड देन आई फील लाइक नेटवर्क मार्केटिंग एक फ्यूचर बिजनेस आस वेर मान यदि मन दिखे एक हार्ड वर्क डेडिकेशन दी कुछ तो यदि बेसि डांगर स्कोप आसे ना सो मोला साइड एक इनकारेजमेंट दी मन जैसे। अभी हम लोग सुनेंगे आंटी से कि ऑब्वियसली सेंटी नारो की मम्मी है और उनको क्या फील हो रहा है जब सेंटी मिस ने ज्वाइनिंग किया था और आज का उनका क्या फीलिंग्स है, दो वर्ड में आंटी अगर आप शेयर कर सकते। विसिजेंस स्टाइलबर्ग, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। अभी एज एज अ पेरेंट वी आर स्टैंडिंग वेरी प्राउडली एंड एनी एकटा वर्ड बोली मोन था तो फिजिकली तई छुटो आलिपि मन भी डांगर आल पावर बेसि स्ट्रंग आई भी लुक आप करना आपलाइनर्स भी लुक आप करना इने एक जुन एक जुन मिलीगेना चाहना और यू नेटवर्किंग इन बिल्ड कर एडवाइस दी आज। थैंक यू। से सुना कि किस तरीके से मिस सेंटी जो है वो बहुत करेजियस है और उनका पूरा सपोर्ट था जिसके वजह से आज ये चीज हो पाया है। जितने मम्मियां इस वीडियो को देख रहे हैं काइंडली अपने अपने बच्चों को सपोर्ट करें ताकि उस ये आपके बच्चे आने वाला टाइम पे आपको इसी तरीके से गाड़ी के शोरूम में लाके खड़ा कर सके राइट। हम लोग अभी सुनेंगे अंकल से, अंकल का क्या फीलिंग है एक दो शब्द में अगर अंकल आप शेयर कर सको। बच्चा हिम्मत काम तो बच्चा के बेसि स्पेशली कम्पानी बेसि टेक्सो कम्पानी कारण बच्चा के भी रास्ता एक खुली दी इतने बेसि खुशी आनार। थैंक यू सो मच।
एसएमडी को हम लोगों ने सुना अंकल आंधी को, अभी हम लोग चलेंगे हमारे फेलिसिटेशन प्रोसेस जो उसको कंप्लीट करने के ऊपर। हमारे जो भी टीम लीडर्स आपने अपने अपने साथ अगर कुछ अपने भेंट आप लाए हो अगर आप उसको देना चाहते हो, फेलिसिटेशन प्रोसेस को अभी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सो यस टीम लीडर जो भी अपना बुकेस देना चाहते हैं कुछ भी देना चाहते हैं दे सकते। थैंक यू सो मच लीडर्स। और अभी हम लोग सुनेंगे, हमारे बीच बहुत सारे लीडर्स हैं और हम लोग बहुत खुशनसीब है कि आज के कार डिलीवरी में हमें उन लीडर्स का मौजूदगी मिला है। और बिल्कुल अगर मौजूदगी मिला ही है तो दो शब्द तो हम लोग भी सुनना चाहेंगे उन सारे लीडर्स से। सो मैं स्टार्ट करूंगा हमारे क्राउन डायरेक्टर वेस्टीज, हमारे अपलाइन, हमारे गुरु मिस्टर रुपम शाह सर से। रुपम शाह सर, काइंडली एक बार आप आइए और दो शब्द आप शेयर कीजिए, आपको आपका फीलिंग्स क्या है आज के टाइम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज बहुत खुश से दिन है आज, क्योंकि मिलेनियम स्क्वाड का ये 9th कार डिलीवर लेने के लिए आया। सो मेरा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, इसमें रुपम शाह वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर हूँ। आज 2018 में ज्वाइन किया था, 2018 से आज देखा जाए तो उस समय पे बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ ना सुनने को मिला था, राइट। बहुत कुछ ताना खींची किया था, राइट। और देखते देखते हम लोगों ने काम स्टार्ट किया कि हम लोग कुछ अलग करके दिखाना है, हम लोग को उस सारा चीज को हासिल करके दिखाना है, उस सारा चीज को रियलिटी में दिखाना है, राइट। वो करते गया 2019 में हम लोगों ने शुरुआत किया था, 2 गाड़ी डिलीवरी लिया था। और 2020 खत्म होते होते हम लोगों ने 3 गाड़ी से एंड किया 2019 को, और 2020 खत्म होते होते आज देखा जाए तो 4 गाड़ी हम लोग डिलीवरी लेके जा रहे हैं, राइट। तो वन सेकेंड हम कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहते हैं मिस संजीना और मिस को। आज देखा जाए तो बहुत सारे लोग फेस्टिव सिस्टम में जुड़ तो जाते हैं, मगर वो सपना, वो जुनून, वो जो जज्बा, जो ट्रस्ट होता है ना, वो बिल्ड नहीं कर पाते अपने अंदर पे, राइट। और आज देखा जाए तो मिस अपना अंदर पे वो सारा चीज महसूस किया कि हमको कुछ अलग करना है, राइट। जब हम ज्वाइन किया था मिस और मेरे साथ जब मुलाकात हुआ था तो उन्होंने बोला था कि हमें नागालैंड में कुछ अलग करके दिखाना है, राइट, कुछ एक्स्ट्रा कुछ अचीवमेंट करना है, राइट। तो गाड़ी जो लेना है वो थोड़ा कम समय पे उनको लाना है, तो कुछ एक्स्ट्रा यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बनना यानी कि दिखाना है। तो हमने बोला ऐसा ऐसा करो, राइट, ऐसा ऐसा करो। आपको सिर्फ जो भी अपलाइन आपको बोला जाते हैं, जो भी गाइडलाइंस, जो हम लोग का मैनेजमेंट, जो भी सारा चीज सिखाते हैं, वो सिर्फ आपको फॉलो करते जाना है, राइट। वो फॉलो करते करते आज देखा जाए तो जैसे आपको अगर सुना मिलेनियम स्क्वाड में आज पहला लेडी है जो एक ही साल में अपना गाड़ी लेके आज डिलीवर लेने जा रहे हैं, राइट। सो हम सभी लोगों को, सभी व्यूअर्स को एक ही बात बोलना चाहते हैं कि ये वीडियो जितना तक शेयर हो, जो भी आप लोगों को, जो भी इंसान इस वीडियो को आप लोगों को शेयर कर रहे हैं, उनके साथ बैठिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, राइट। आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ये सिर्फ बेचने का काम नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट अगर समझते हो तभी आपने जो भी सपना है उस सपने को बिल्ड कर सकते हो। सो थैंक यू, इसी के साथ एंड विश यू वेल। अभी मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा क्राउन डायरेक्टर वेस्टीज यूथ आइकॉन सर लिपन शाह सर को। एक बार गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सो हेलो एवरीवन, इसमें लिपन शाह, क्राउन डायरेक्टर वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा सेंटिनारो मिस को, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस, कि इतना बढ़िया सा एक शानदार कार्य हमारे बीच लाने के लिए। दोस्तों जब हम लोगों ने सिलसिला शुरुआत किया था 2018 में, बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था, लोगों ने बोला कि सपना पूरा नहीं होता है, सिर्फ टाइम पास है। बहुत लोग बोलते थे साबुन तेल बेचने का काम है, लेकिन हम बार बार लोगों को बोलते थे ये साबुन तेल बेचने का काम नहीं है, ये लोगों को बनाने का बिजनेस है, लोगों का सपना को बनाने का बिजनेस है। लेकिन लोग विश्वास नहीं करते थे, उस समय कुछ नहीं था। लेकिन आज देखिए 2018 से शुरुआत करते करते एक के बाद एक आता तो किस्मत था, 2 आता चलो किस्मत ने साथ दिया फिर भी आ गया, 3 आया चलो फिर भी किस्मत ने साथ दिया फिर भी आ गया। लेकिन आज हम 1-2 दिन हम लोग का 9th कार डिलीवरी ले रहे हैं हमारे टीम से मिलने इसको।
तो मैं बोलना चाहूंगा मिस सेंटिन अरुणा ने जब स्टार्टअप किया था, एक दिन उनका घर में हम लोगों ने लीडिंग लेडीज बुक को खोला था, मैं और शुभम पाल सर जाके, और हम लोगों ने बोला था अगर बहुत सारे लीडर्स है नागालैंड से जिन्होंने 9 महीना 1 साल 1.5 साल के अंदर गाड़ी अचीव किया है, तो हम लोगों ने बोला था अगर वो लोग भी सकेंगे तो आप भी सकोगे। सेंटिन अरुणा मिस ने रिप्लाई दिया था, सर मुझे कुछ भी हो जाए मुझे 1 साल के अंदर गाड़ी निकालना ही निकालना है। और लास्ट 1 महीने पहले भी मैं बात कर रहा था जब हम लोग का पेपर्स का डॉक्यूमेंट का सिलसिला चल रहा था, सेंटिन अरुणा मिस यही बता रहे थे कि मेरे को दिसंबर में गाड़ी निकालना ही निकालना है जो भी चीज हो जाए। आज देखिए लोगों ने सोचा, सेंटिन अरुणा मिस ने सोचा, सपना देखा और उसके ऊपर वेस्टिज का सिस्टम को फॉलो करते हुए, अपलाइन का सारा बात सुनते हुए उन सारे चीजों का लेके आगे बढ़ा और आज आपके सामने 10.5 लाख का चमचमाता हुआ कार आपके सभी के सामने खड़ा है। दोस्तों मैं सभी से बोलना चाहूंगा देर न करते हुए, टीम मिलेनियम स्क्वाड का कोई भी लीडर आपके पास आ जाए, अगर आप किसी को पहचानते हो बा नहीं भी पहचानते हो, आप फेसबुक के द्वारा हो जाए यूट्यूब के द्वारा हो जाए कॉन्टेक्ट करके बैठिए, प्लान को समझिए। और बार बार मैं बताना चाह रहा हूँ सपने पूरे होंगे नहीं, सपने पूरे हो रहे हैं, तो आप सभी आइए ज्वाइन कीजिए एंड ज्वाइन द वेल्थ रिवॉल्यूशन। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। थैंक यू लिपन सर। और अभी हम बुलाने जाएंगे डायमंड डायरेक्टर वेस्टीज माय ग्रेट अपलाइन सर अमृत पॉल को, प्लीज हेल्प यू वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, दिस इज अमृत पॉल डायमंड डायरेक्टर वेस्टीज। व्यूअर्स और सारे लीडर्स, सेंटा ने तो गिफ्ट दे दिया प्री क्रिसमस का, अभी किस किस को चाहिए, सबको चाहिए कि नहीं? Yes! Yes! चाहिए। Yes! तो ठीक से काम करना पड़ेगा ताकि अगला साल 2022 को हम सभी लोग एक ही साथ में पूरा साल ही जश्न मनाएंगे और गाड़ी का पूरा लाइन लगा देंगे। और ये दिमापुर में नागालैंड में ठीक ऐसे ही हो रहा है और पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि हर कोई लोग अभी क्या कर रहे हैं, नेटवर्किंग से वैसे से अपना सपने को फुलफिल कर रहा है। तो डेफिनेटली मैं सारे लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, आइए वैसेस के साथ जुड़िए, क्योंकि आज के डेट में जो लोग भी यूथ है, स्पेशली मैं यूथ लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ, कोई कोई लोग सोचता है कि 18 साल कंप्लीट होगा तो मैं ग्रेजुएशन करूंगा या तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मास्टर डिग्री के बाद ब्लैंक रह जाते हैं। तो उस जगह में मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ थ्रू सेंटिन अरुणा मिस के द्वारा, क्योंकि वो भी एक इंसान जो मास्टर डिग्री कर रहे थे लास्ट ईयर, अपना मास्टर डिग्री करते हुए ये काम को शुरुआत किया था और आज के एक में देखिए टाटा नेक्सन 10 लाख का अपना सामने खड़ा है और विद पेरेंट्स के साथ। तो ये सबसे बढ़िया मौका दे रहे हैं वेस्टेज एज ए प्लेटफॉर्म। मैं सारे यूथ लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग आइए वेस्टेज के साथ जुड़िए, एक बार प्लान को पेन और पेपर में समझने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि समझने से ही आप लोग इसको अच्छे से कर पाएंगे। और डेफिनेटली और एक चीज क्या है कि मिलेनियम स्क्वाड ऐसा एक टीम है नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि रिवोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, जहां पे लिपन सर ने ऑलरेडी बता दिया 1, 2, 3 गाड़ी नहीं लग से आ सकते हैं, लेकिन उसमें 9 गाड़ियां और 9 कार डिलीवरी हम लोग ले रहे हैं 3 से लेके 3.5 साल के अंदर में, मतलब इसमें तो दम है। ये सुनो, ये टीम में तो दम है, ये नॉर्थ ईस्ट में हल्ला बोल करने वाला है, पूरा ऑल ओवर भारत में इंडिया में हल्ला बोल करने वाला है। तो काइंडली आप लोग इसको समझने के लिए कोशिश कीजिए और मिलेनियम स्क्वाड के जितने भी टॉप लीडर्स हैं उन लोगों के साथ मिलिए, आइए जुड़िए और इसको समझने के लिए एक बार कोशिश कीजिए। और लास्ट में और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, आज जैसे कि सेंटिन अरुणा मिस ने ये करके दिखाया, मैं डेफिनेटली बोलना चाहता हूँ 12 महीने में अगर ये चीज हो सकता है पॉसिबल, तो डेफिनेटली वेस्टेज में और भी बहुत सारा मुकाम हम लोग पहुंच सकते हैं और ये डेफिनेटली पॉसिबल है। मैदान पूरा खाली है, हम लोग को बस उसमें काम करना और भागना है, क्योंकि मार्केट में जाएंगे तो वही पुराना तरीका से काम करना पड़ेगा जहां पे हम लोग का सपना पूरा कभी नहीं होगा। तो डेफिनेटली ये बोलना चाहूंगा, आप लोग आइए जुड़िए और हम लोग के साथ मिलके काम कीजिए, हम लोग डेफिनेटली आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच अमृत सर। अभी मैं बुलाना चाहूंगा डायमंड डायरेक्टर वेस्टीज हमारे ग्रेट अपलायंस सर अनूप कर्मकार को, सर अनूप के लिए भी एक बार जोरदार धन्यवाद। अनूप कर्मकार डायमंड डायरेक्टर फ्रॉम वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर हम लोगों का यहाँ पे और एक गाड़ी आ गया, मतलब ये मिलेनियम स्क्वाड का रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है। लेकिन मैं अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग नए हैं, 5% 8% जो 1 महीना 2 महीना हुआ है, मैं उन लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि एक सिस्टम ऐसा करके बनाया गया है जहाँ पे आप लोग 6 महीने में भी ले सकते हो गाड़ी। Yes. तो मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा जो मुझे देख रहे हैं या फिर यहाँ पे जो लोग भी है, मैं सब लोगों को एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप सब लोगों के लिए अभी सेंटिन अरुणा मिस का रिकॉर्ड ब्रेक करना है, उनका रिकॉर्ड ब्रेक करना है, उनके टीम में जो लोग भी है सबको आके 10 महीने में 11 महीने में 6 महीने में अपना गाड़ी को लेना है, जिससे क्या होगा कि हम लोग और सिस्टम को लेकर और मतलब बहुत मजबूती से काम कर सकेंगे। और मैं साथ ही साथ में और एक 3 लोगों में जरूर थैंक्स बोलना चाहूंगा जिसके वजह से आज हम लोग यहाँ पे है और जिसके वजह से आज ये 9 गाड़ी आया है, जिनका नाम है इस सिस्टम के जो मैनेजमेंट के 3 लोग हैं, जिनका नाम है गौतम बाली सर, सर दीपक सूद और सर कन्वर बीन सिंह सर।
आज ये तीन लोग अगर ना होते शायद हम लोग यहाँ पे ना होते yes, yes, और yes. इसी तरीके से हम लोग इनकम ना कर पाते, तो उन लोगों के लिए एक जोरदार ताली बन। बहुत तकलीफ हुआ था इस गाड़ी को लेने के लिए, बहुत सारा हम लोगों ने प्लान किया था दिसंबर में होगा या नहीं होगा, या फिर उनको तो लेने का मन था, लेकिन सिस्टमेटिकली हम लोग जिस तरीके से प्रोसेस जा रहा था होने का चांसेस बहुत कम था। लेकिन एक बोलते हैं ना कि एक जुनून जो था कि हाँ, जो 10 महीना पहले 12 महीना पहले जो हम लोगों ने प्लान किया था कि एक साल के अंदर ही लेना है, तो वो जो उनका बिलीफ फैक्टर था वो आज यहाँ पे काम आ गया, ये मैं सच में बताना चाहूंगा सेंटिनारो मिस को। और जिस तरीके से हम लोगों ने प्लान किया उसी तरीके से हुआ है। और एक लास्ट में फिर से वही बात रिपीट करना चाहूंगा, ये रिकॉर्ड ब्रेक करना, जितना लोग यूथ है यहाँ पे सभी लोगों को बोलना चाहूंगा अभी टारगेट कीजिए कि 10 महीने 6 महीने में कैसे हम लोग इस गाड़ी को अचीव कर सके। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। और एट द एंड मैं एक और लेडी लीडर को बुलाना चाहूंगा जिनसे मैं चाहूंगा कि आप सुनिए उनका बातें। शी इज नन अदर देन मिसेस अर्पिता दास। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अमिला नाम तो अर्पिता दास আছে, আমি ডায়মন্ড ডাইরেক্টর বেস্টিজ আছে। আজি বিশে ভাল লাগিছে, ইভেন তাই কি ফিল কৰিব পাৰিছে, তাই আজি কি ফিল হৈছে তো আমি ফিল কৰিব পাৰিছে অলৰেডি। আৰু লাইক একটা কথা কব, জাস্ট আমি বি এদের বা অলরেডি লাস্ট ইয়ার জয়েন করনা, দিস ইয়ার সেপ্টেম্বরে গাড়ি ওলাল আছে। তো ফার্স্ট আমি থাকা পড়া এই পিছতে সিন্ডি মিস বি ওলাই আছে, মিস ছুকরি হান নিমিতে একটা কথা বলবো, না পড়ালা ইম্পসিবল একু বি নাই গেদে না, জাস্ট সিস্টেম কে ফলো করে থাকবে। জিনিকা অফলাইন বসে তাই মর্নিং তে ইমাম বাজে উঠিবি তো ইমাম বাজে উঠিবি, ইমাম বাজে ঘুমাবি ইমাম বাজে, মতলব ইচ এন্ড এভরিথিং অফলাইন লা ঘটা হুনি না যায় থাকিবে। গাড়ি তো মতলব আমি লৈ লৈছি তো গাড়ি বাসে, গাড়ি তো ছোট সামান আছে যোনটো পাবলি হি পাবলি আছে। এটা আমি আজি ইমান গাড়ি দেখে যে লাইক স্টার্টিং দে যেটা একো বি থাকা নাই, এইটো টাইম দে গাড়ি আজি লৈছে, মিস জিরো লেভেল পৰা আমি গাড়ি লবলে পাৰিছে, বা সিন্ধি মিস গাড়ি লবলে পাৰিছে, খুশি হলে তো একটা গাড়ি লবছে, লাক্সারিয়াস গাড়ি লবলে কারণে বি ইজি হৈ যাব না। তো ইটো আছে মিস খালি ড্রিমস কে বিলিভ কৰা যায় থাকিবে, ইটো ড্রিমস কে ভাবনা এভরি টাইম ভাবনা কৰিব, আলাগে কো ভাবনা না কৰিবে, যেটো লাগে ইটো হে মর্নিং বা সাম তক ভাবনা কৰি না যায় থাকিবে, সিস্টেম কে ফলো কৰি থাকিবে। শর্টলি একটা কথা কব, ইজি কাম কৰিছে বুলে লাইফ তো হার্ড হৈ থাকিব, হার্ড কাম ইটা কৰিছে বুলে ইন ফিউচার দে আপনা লাইফ তো ইজি হৈ যাব না। সো দ্যাটস ইট, ছুরি আর অল দ্য বেস্ট। यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी हम इनवाइट करेंगे डायमंड डायरेक्टर विस्तीत सर, अरिजीत सर को, वो आए और अपना थॉट शेयर करें। यस सर, अरिजीत सर के लिए बहुत बहुत মই এইটো জানাই দিব সবকে কি আজি নাগালেণ্ড ভিতরে মিস সেন্ডি আর আমি খানা এন্টায়ার মিলিনিয়ার স্কোয়াড কি কারেজি ভার্সেস আমি খান সব কারণে একটা ইন্সপিরেশন হয়েছে কি আজি আমি খান ইমান ইয়াং এজতে আমি খান ইমান ভাল ভাল গাড়ি লোবলে পারা আছে, ইমান ভাল লাইক ইনকাম একটা স্টেবল ইনকাম পৌঁছে আছে। তো সব মানুষ কি ঠিক মেসেজ দিবলে মন কি আমি খান ইমান ইয়াং এজতে এটি করবলে পারা আছে, বলতে আপনি সব মানুষ পারব, জাস্ট কি আছে আপনি খান আমি খান লগত আহি না বুঝি বিদু ভাল পড়া বুঝি না আমি খান ট্রাই করি কেন আমি সিস্টেম পড়া কাম করি না নিজের লাভ ইনকাম উঠার কারণে। সো এজ এ লাইক ইয়াং ডিস্ট্রিবিউটর আমি সব বেস্টিজ লাগা আপনি এই মেসেজ দিব আহিবি বহিবি আমি খান লগতে বহি না এই সিস্টেম লগতে কেন আগে উঠিব আর একটা ডাঙর লেভেল যাই না বুঝিব। থ্যাংক ইউ। Yes দোস্তো, আজ মিলিয়নিয়ার স্কোয়াড কা নওয়া কার আ চুকা হে, और आपने देखा जिस तरीके से आपने देखा एक लड़की जिसने नॉर्मली ज्वाइन किया वेस्टीज में आज से 12 महीना पहले, और पार्ट टाइम के हिसाब से काम करके सीरियसली सिस्टम को फॉलो करके आज वो अपने साथ अपने घर गाड़ी लेके जा रहे हैं, राइट। और इसी तरीके से ऐसा ही चमचमाता हुआ कार आपके घर पे भी जा सकता है, बस आपको एक डिसीजन लेना है, कहीं पे भी आपको मिलीनियर स्क्वाड वेस्टीज का कोई लीडर मिल जाए उसके साथ बैठिए, सिस्टम के बारे में समझिए और बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए लेके जाइए। और जब 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 आप काम करना स्टार्ट करोगे, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जिन लोगों ने भी आज कार अचीव किया, जिन लोगों ने भी आज वेस्टीज से करके बहुत बड़ा कुछ अचीव किया, हंसने वाले लोग तो है, राइट, हंसने वाले लोग तो तब भी थे, लोग तो अभी भी है, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे क्या सबका हो जाता है क्या। माय डियर फ्रेंड, 130 करोड़ का आबादी है इंडिया में और वेस्टीज में सिर्फ 3 करोड़ लोग ज्वाइनिंग हुए हैं, पूरा का पूरा लोग ही खाली हैं, लोगों को पता ही नहीं है वेस्टीज अपॉर्चुनिटी के बारे में, राइट। सो हंसने वाले लोग हंसते रहेंगे और हमारे जैसे लोग गाड़ी निकालते रहेंगे दोस्तों, राइट। इसी के साथ आज का
जो सेशन है उसको समाप्त करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू वेस्टीज मैनेजमेंट, मिस्टर गौतम बाली सर, मिस्टर कन्वर वीर सिंह सर, मिस्टर दीपक सूद सर, जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया। स्पेशल थैंक्स टू आवर DUCD वेस्टीज डॉक्टर करीमुद्दीन सर एंड समीना मैम, जिनके गाइडेंस की वजह से, जिनके इंस्पिरेशन की वजह से हम लोग आज बहुत बड़े लेवल पर आ चुके हैं, राइट। थैंक यू सो मच टू ऑल दी पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच टू आवर टीम जिन्होंने आज टाइम निकाला हमारे साथ, उन्होंने अपना कीमती जो टाइम है उन्होंने अपना दिया। थैंक यू सो मच फॉर द व्यूअर्स, आप लास्ट तक बने रहे और ये वीडियो जो है वो अभी इसी के साथ एंड होने वाला है। एंड में केक कटिंग होगा और केक कटिंग के साथ ही इस वीडियो को एंड किया जाएगा। थैंक यू एंड टू ऑल दोस प्लेसेस कॉलिंग टू नेवर गिव अप।